यार So, अभी हम क्या प्लान कर रहे हैं कि दूसरे रास्ते से उठ के जाएंगे, वो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। ये ना अकेले ही राइड कर रहे हैं, ये डेंजरस रोड से आए हैं जो दूसरी तरफ से आता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो भाई कल तक की राइड में हम पहुंच गए थे मंडी और आज जा रहे हैं शिकारी देवी टेंपल, काफ़ी हाइट पे जाके और काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। सो मेरे साथ कुछ और फ्रेंड्स हमारे साथ आ गए हैं, नीरज भाई है, यहाँ पे मयूर है और हमारे खास दोस्त हरीश सर। तो अभी हम राइड पर जा रहे हैं, आज ही हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, इनको कुछ काम है। सो साथ में दो फ्रेंड्स हमारे जा रहे हैं और अनिल तो मेरे साथ था ही। ट्री जो है वो अराउंड 75 किलोमीटर है और बिल्कुल ऑफ रोडिंग है, एडवेंचर राइड हम करने जा रहे हैं और सुबह के अभी 7:30 हो चुके हैं। तो बस यहाँ से अभी निकलने वाले हैं, सो मिलते हैं आपको अभी बाइक पे। सो भाई करते हैं अभी राइड स्टार्ट है। आराम से जाइए ना। और चल एनी जा निकल, ठीक है पंडित जी। ये देखो भाई मेरी फेवरेट बाइक है R15R, ये अपने एनजी भाई के पास है R15 और काफी अच्छा राइड रहा ये। ओ भाई रोड देख लो, यहाँ पे बिल्कुल सिंगल रोड स्टार्ट हो गया है और लोकेशन जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता है वहाँ HRTC पहुंच जाती है। हिमाचल में ना मतलब HRTC जो एक लाइफलाइन है, कहीं भी सिंगल रोड हो कैसे भी रोड हो HRTC की सर्विस है। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं लंबा था, जिस जगह का नाम है और बहुत अच्छी जगह है ये, आप देख सकते हो इस तरफ को अच्छा व्यू है सुंदर, इतने बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर को देखो पहाड़ी है। और अभी जो मौसम होता है अक्टूबर का वो बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा उतनी ठंड है। भाई वो देख लो सामने कितना खूबसूरत गाँव बसा हुआ है, अभी ना मक्की की फसल तैयार होने वाली है तो पहाड़ों में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मक्की की फसल होती है। और ये आप देख सकते हो इतनी ऊंची ऊंची जगह पे गांव बसे हैं और यहाँ पे मोस्टली देवदार के पेड़ हैं। भाई नीरज भाई ने ना पूरी रेल बना दी है बाइक की। सो भाई अभी एक घंटा और राइड करने के बाद पहुंच गए हम जिंझैली में और ये है लास्ट स्टेशन। इसके आगे कोई मार्केट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारे साथ भाई चाय पी के भी थोड़ा हम रिलैक्स फील कर रहे हैं। सो इसके बाद प्रॉपर ऑफ रोडिंग स्टार्ट होने वाली है क्या? प्रॉपर ऑफ रोडिंग है, कच्चा रोड आगे। सो देखिए आगे क्या इस तरह का रहता है। रोड यहाँ पे भाई बिल्कुल सिंगल रोड है। इतने खूबसूरत गांव है सामने, आप देख सकते हो व्यू, बहुत अच्छा विलेज है यार। और ऊपर से काले काले बादल भी आने स्टार्ट हो गए हैं, ऐसा ना हो कहीं कि बारिश पड़ जाए, पूरा मौसम बन चुका है बारिश वाला। ये देखो दोस्तों कितनी सुंदर वैली बनी हुई है यहाँ पे, ये पार्क टाइप का बना है और यहाँ पे रहने के लिए सामने होम स्टे भी आप देख सकते हो। शिकारी देव के लिए ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो बिल्कुल कच्चा रोड है यहाँ पे मिट्टी वाला और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। एक्चुअली कैमरे में ना बिल्कुल प्लेन दिखता है रोड, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। जब तक आगे आपके आगे फोर व्हीकल चलेगा ना, इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है कि पीछे वाला तो शक्ल सूरत बदल जाती है बंदे की। ओहो उठा। निकल गई निकल गई। तो भाई अभी आगे गाड़ी चली हुई थी तो इतनी धूल उड़ रही थी कि पीछे ये नाली बनी हुई थी और काफ़ी मिट्टी थी, उसमें जाके स्किट हो गई और हम खड़े खड़े रहे, हमें पता ही नहीं लगा कि बाइक ही गिर गई हमसे एकदम से। ये नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो इस तरह से
काफ़ी बार होता है कि गिर जाती है गाड़ी। यह देखो भाई साहब, यहाँ की लोकेशंस देख लो यार, तगड़ा ही एडवेंचर है। मतलब इतना ना हम सोच के भी नहीं आए थे कि इस तरह से होगा, शिकारी देवी का रास्ता या फिर इतनी अल्टीमेट डेस्टिनेशंस होंगी यहाँ पे। ये देखो रास्ते, कितना अल्टीमेट व्यू है भाई। जहाँ जहाँ इंसान कम पहुँचा है ना, वहाँ वहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह हैं। जहाँ पे इंसान ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ पे नेचर और इसकी जो ब्यूटी है सब खत्म हो चुकी है। सो भाई अभी हम पहुँच गए हैं फाइनली शिकारी, वो ऊपर मंदिर दिखाई देने लग पड़ा है। और ये देख लो सामने का नज़ारा यार, क्या अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। मज़ा आ गया यहाँ तक, आज का ना मतलब डे दिन बन गया आज। इतने हाई अल्टीट्यूड पे ये बसा हुआ है प्लेस, ये जो है मंदिर है यहाँ पे। MT-15 है और अल्टीमेट मॉडिफिकेशन की है, रैपिंग देख लो यार, मतलब देख के ना बाइक को दिल खुश हो गया। यहाँ से अकेले बाइक चढ़ानी पड़नी, चढ़ने को तो चढ़ जाएगी लेकिन देखो उतारते टाइम पता लगेगा। ये देखो भाई पत्थर। सो भाई जो फाइनली हमने रास्ता चूज किया था शॉर्टकट, वहां से हम होते हुए पहुंच चुके हैं शिकारी देवी टेंपल। ये देखो यार व्हाट अ लोकेशन, अल्टीमेट। भाई रास्ते खराब है लेकिन डेस्टिनेशन देख लो, ये सामने देख लो, कभी ऐसी लोकेशन देखी है आपने? फाइनली वी आर एट शिकारी देवी, जय माता दी। बादल बिल्कुल नीचे हैं और हम बादलों के लेवल से भी ऊपर हैं। ये देखो कैसे स्लो स्लो बादल चल रहे हैं साथ में। सो अभी हम क्या प्लान कर रहे हैं कि दूसरे रास्ते से उठ के जाएंगे, वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। सो अगर हम उस रास्ते से जाते हैं तो नीचे देवी कोठी मिलेंगे। कहाँ पे देवी कोठी, क्या नाम है? देवीगढ़ जाके मिलेंगे, जिससे हमारी अराउंड 40 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ जाएगा, यहाँ से शॉर्टकट है। सो इस पहले मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद वापिस आपको दिखाते हैं एडवेंचर राइड। सो भाई फाइनली पहुंच गया मंदिर में, ऊपर जाके सामने देख सकते हो मंदिर का द्वार है। अब मंदिर जाके दर्शन करेंगे, पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। एंड टाइम हो गया 1:15। सो भाई अभी हम रुके हैं मंदिर के सराय में। ये पंडित जी हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और चाय पी रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के। अभी ये भी अंकल जी साथ में, सो अभी चाय बिस्किट वगैरह यहाँ पे हम खा रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, काफ़ी ऊपर शांति भरा माहौल है। सो थैंक यू पंडित जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सो भाई अभी शिकारी देवी से निकल रहे हैं वापस दर्शन करके मंदिर के, और अब हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं जो शॉर्टकट है ये इस तरफ को आगे, लेकिन काफ़ी डेंजरस है, डाउन है एकदम से। सो आज एडवेंचर राइड कर रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है, बीच में से शायद बाइक पकड़ के भी निकालनी पड़े। सो अभी चलते हैं और आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे साथ आगे आगे चलेंगे। ये लो, ये देखो पत्थर वाला रोड स्टार्ट हो गया बिल्कुल। मयूर भाई गूगल मांग रहे हैं, ठीक है। तो भाई अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, रोड के हाल बिल्कुल ही खराब है। ओ यार सामने से गाड़ी आ गई, उसका मोशन टूट गया। अच्छा तो भाई ये देख लो रोड के हाल, एक बंदे को ना उतना पड़ रहा है, मतलब रोड नहीं है ये भाई, ये है रियल वाला ऑफ रोड। ये देखो बैठा रहा यार अब भाई, बहुत बुरा हाल है। उतर जा तू, ओ यार भाई अभी क्या हुआ ना कि यहाँ से धुआं लग पड़ा निकलने एकदम से बाइक से, सो मैंने इसको भी बंद कर दिया है।
मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ पानी हो गया था या कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से यहाँ से काफ़ी धुआं निकल रहा था। अभी ऐसा करता हूँ इसको बंद गियर बंद जाने देता हूँ थोड़ी देर, न्यूट्रल नीचे, फिर नीचे जाके चेक करवाते हैं कि इशू क्या आ रहा है। ये देखो रोड के हाल, वो बोल रहा भाई मैंने पैदल आना है। सो भाई अभी पूरी तरह से मौसम खराब हो चुका है, रोड आप देख लो बुरे हाल है, और देखो हमारे दो राइडर आते हुए, ये देखो आज पूरा एडवेंचर ले रहे हैं, ये बड़ा शौक था इनको इस तरफ से आने का, और बुरे भाई गलत आ गए। प्रो राइडर वो बंदा डर के मारे ना शॉर्टकट से निकली जा रहा है, नीचे पहुंच जाएगा, बोल रहा मैं नहीं बैठूंगा पीछे, पर बंदा बैठे भी कैसे भाई, ओ काफी, क्योंकि काफी रिस्की है यहाँ पे। वो देखो बड़े म्यूर नहीं मान रहा है, जाऊंगा तो बाइक पे, आ जा भाई मेरी बाइक पकड़ने, आ जा पकड़ ले इसको, ओ आराम से भाई, ये हैवी है गिरने के ज्यादा चांस रहेंगे, पीछे से पकड़ लीजिए थोड़ी, पकड़ी है ना तूने, जाने तू मैं खुली। ओ यार पिछली लग भी तो नहीं रही है, देखो ना भाई व्यू देख लो यार सामने, वो देखो क्या अल्टीमेट नजारा है यार, क्या अल्टीमेट नजारा क्या नजारा है भाई, अल्टीमेट यार मजा आ गया भाई साहब, रोड के हाल देख लो, हाँ यहीं से मोड़ लो कहीं से, हाँ भाई रोड का ना ऊपर पूरा हाल है, तो लोगों को ऐसे भेज के फायदा नहीं है, फंसने वाली बात हो जाएगी, सामने एक और गाड़ी फंस चुकी है, गाड़ियाँ जा रही हैं ऊपर के लिए, खराब है भाई रोड, खराब है रोड, 4x4 आपकी 4x4 है, देख लो अगर आप कच्चे में चला लेते हो तो, ये देख लो ये ऑफ रोड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कब खत्म हो गए, मेरा बार बार रेडिएटर ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, ये देखो भाई एनजे तूने गलत जगह से बाइक डाल दी, अब यहाँ से मेरे को भी निकालनी पड़नी, चलो यहाँ कुछ घर तो दिखने स्टार्ट हुए हैं फाइनली, बट भाई 7 किलोमीटर बोल के ना कम से कम हम 12-13 किलोमीटर पहुँच गए, ये रोड खत्म नहीं हो रहा है, बोला था 7 किलोमीटर तक खराब है, फाइनली 14 से 15 किलोमीटर ऊपर से राइड करने के बाद ना हम पहुंच गए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह देवीदत्त पार्क में। भाई ऊपर से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो हाल हुआ ना वो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, कोई बाइक नहीं आ रही थी ऊपर से, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, बीच से वापस आ रही थी, लेकिन हम एक बार आ चुके थे तो हम वापस तो जा नहीं सकते थे, तो बड़ी मुश्किल से बाइक हमने उतारी, मतलब डेंजरस राइड थी, चलो मज़ा आया, एक ये भी एक मेमोरी होती है, लेकिन अब जो हम डेस्टिनेशन में पहुँचे हैं ना अल्टीमेट है, ये देखो इसे देख के मुझे खजियार की याद आ रही है, और यहाँ पर अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे उसके बाद हम वापस चलेंगे नीचे सुंदरनगर के लिए। में हम आधा घंटा अप्रोक्स यहाँ पे रुके, थोड़ा रेस्ट किया, थक गए थे ऊपर से आते आते इतना वेट पड़ रहा था ना आगे, सो अब रोड के हाल वही है, लेकिन सुनने में आया कि नीचे अच्छा है रोड, रोड ख़त्म हुआ है, सामने हमें पक्का रोड दिखाई दिया है, सो काफ़ी मज़ा आया एडवेंचर में इसमें, और हम सेफली यहाँ तक पहुँच गए। सो भाई फाइनली हम आ गए मेन रोड पे, यहाँ से मंडी है 35 झंझली 53 फिर सो गए यहाँ से 92 किलोमीटर्स। सो भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अभी ऐसा करते हैं कि बाइक यहाँ पे लगा देते हैं और बारिश से थोड़ा जब तक रुकती है तब तक वेट कर लेते हैं।